ये तो नहायत ही बचकाना हरकत की है तुम्हारी माँ ने। ये कोई वक्त था तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के जाने का? अगर आपको मजे की बात बताऊं, उन्हें लगता है कि इसमें भी मेरा ही कसूर है। तुम्हारी माँ की तो हालत देख ली थी मैंने लड़की वालों की तरफ। जहाँ तीन हर्फ बोल के रिश्ता खत्म करना था, वहां गुनाहों की पोत को माथे पे सजा के आ गई। वो तो शुक्र है तुम बगैरत नहीं निकले। वैसे उसकी माँ कह रही थी कि बाप की सचमुच तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है तो शाम को लड़ने तुम्हारे घर कैसे पहुंच गया था? ये सब ड्रामेबाजी है उनकी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। अगर अपनी माँ की बातों पे आंखें बंद कर लेते ना तो पूरा खानदान तुम पे थू थू करता। अब तो सब मिसालें दे रहे हैं तुम्हारी। काश मेरी माँ भी ये बात समझ सकती। भाभी की तो मुझे समझ ही नहीं आई, अपने ही बेटे से पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है। ना कोई छान फटक की, ना मालूमात हासिल की लड़की के बारे में, फौरन गई रिश्ता किया तारीख तय करके आ गई। उनकी इसी जल्दबाजी ने तो मुझे शर्मिंदा करवाया। आप शायद जानती नहीं लेकिन मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता। अरे बेटा तू लड़का है, लड़कों पे कोई आंच आती है कभी? हैं, फिक्र किस बात की है? मैं तेरी शादी ऐसी जगह कराऊंगी कि दुनिया आशश करेगी। आशश तो अब भी कर रही है, बस अंदाज मुख्तलिफ। भाभी जैसी कम अकल नहीं हूँ जिसने अपना हीरे जैसे बेटा रोल दिया। और वैसे भी मैं दावों से ज्यादा अमल पे यकीन रखती हूँ, तू देखता जा बस। चची जान, मेरा तो औरत जात पर से यकीन ही खत्म हो गया। ऐसे यकीन खत्म हो गया? तेरा हक नहीं है खुशियों पे बाकी लड़कों की तरह? मैं चलता। अरे खाना खा के जाना बेटा, तेरी कौन सी माँ घर बैठी खाना बना के? मैं भी लेके आई। जाइए जाकर अपनी बेटी को लगाम डालिए, पूरे मोहल्ले के लौंडों के साथ चक्कर चल रहा है उसका। जाए जाकर उन देवदासों को देखें जिनकी पारो बनी फिरती है वो। अब्बू के साथ तुम गए थे ना मेरे ससुराल? जी मैं गया था। आपको किसने बताया? अब्बू के चेहरे पर पहली उदासी ने, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ शायद मैं तो सह जाऊंगी लेकिन अब्बू नहीं सह पाएंगे। नारू जी, वो लोग आपके काबिल नहीं है। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, आइंदा कभी अब्बू को वहां मत लेकर जाना। वो कहें तब भी। जी मेरे जी, मेरे जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो आपको किसी पे शक है क्या? जिस दिन मुझे उस शख्स का पता चल गया जिससे मुझे और मेरे घर वालों को जीते जी मार दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।